सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग? तो आज की इस वीडियो कंपैरिजन में यार हम लोग कंपेयर करेंगे लीजन 5 जो कि आता है राइजन 7 5800H के साथ, एंड दूसरी तरफ होगा हमारा एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 जो कि आता है i7 11th जेन के साथ। एंड सो भी ऐसा वैसा 11th जेन नहीं है, आप लोगों को 11800H वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड आज के इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा बेटर होने वाला है, बिकॉज यार एक तरफ हमारे पास में राइजन 7 5800H है एंड एक तरफ हमारे पास में i7 11th जेन है। तो यार देखना ये है कि हु गिव्स द आउटलेस्ट परफॉर्मेंस, एंड यार आप लोगों को लास्ट में गेमिंग बेंचमार्क्स भी शो करूंगा, तो वहां से आप लोग यार बेटर पता कर सकते हो कि कौन सा यहाँ पर ज्यादा FPS निकाल करके देगा या फिर कौन सा यहाँ पर ज्यादा बेटर है इन गेम प्ले। सो एवरीथिंग आई विल कवर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड यार हो सके वीडियो को लाइक कर देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हो टेक रोहित। सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले यहां पर डिजाइन एंड बिल्ड की। तो आप लोगों को जैसा कि पता है यार लेनोवो लीजन 5 की बिल्ड बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोगों को जो चार्जेस है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी, एंड यार सामने की तरफ आपको लीजन का एक लोगो देखने को मिल जाएगा, LEGION लिखा है उसमें, एंड जो कि यार चमकता है जब आप उस पर कुछ मतलब लाइट वाइट डालोगे तो। एंड अगर वहीं दूसरी तरफ बात करूँ यार एसर प्रेडेटर हेलियोस की, तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी सी मतलब गेमिंग फीलिंग देने की कोशिश करी गई है, एंड जो बॉडी है यार वो पूरी की पूरी प्लास्टिक बिल्ड है, कहीं भी यहाँ पर मेटल का यूज नहीं करा गया है। सो ओवरऑल देखे तो यार दोनों के लुक्स बहुत जबरदस्त हैं। बाकी दोनों में आप लोगों को 6 वेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सो नो डाउट बहुत अच्छी होने वाली है। सो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं सीपीयू परफॉर्मेंस के ऊपर। सो एसर प्रेडेटर हेलियोस में आप लोगों को i7 11th जेन देखने को मिल जाता है। इसकी यार सिंगल स्कोर की बात करूं तो ये कुछ 1512 के आसपास में आती है, मल्टी स्कोर की बात करूं तो ये कुछ 8369 के आसपास में होती है। तो यार ये एक अच्छी मतलब सीपीयू है एंड बहुत हद तक राइजन 7 5800H को मात दे देती है। जो RTX 3050 Ti वाले में सिंगल स्कोर जो निकल करके आता है ये कुछ 1503 होती है, एंड मल्टी स्कोर की बात कर लूँ तो ये कुछ यार 13429 के आसपास में हो जाती है। तो एज यू कैन सी राइजन 7 5800H मल्टी स्कोर में थोड़ा सा आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू द i7 11th जेन। बाकी यार सिंगल स्कोर में दोनों लगभग सेम ही पे चल रहे हैं। बाकी यार यहाँ पर लोग गेमिंग के लिए ज्यादा i7 11th जेन को प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्यों। सो यार रिजल्ट्स आपके सामने, आप लोग देख लो आपको किसको प्रेफरेंस देना है ये भी आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी यार आप लोगों को गेमिंग में किसी में भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस अगली चीज आती है हमारी जीपीयू। दोनों में ही आप लोगों को 4GB NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रही बात TGP वैल्यूज की, तो यार यहाँ पर Lenovo Legion 5 में कुछ 95 वॉट्स के आसपास में TGP देखने को मिल जाती है। वहीं Acer Predator में आप लोगों को यार इन बॉक्स 75 वॉट मिलती है, बट आफ्टर अपग्रेडिंग टू द BIOS आप लोग यार 85 वॉट तक ले सकते हो। तो नो डाउट यार इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, 95 एंड 85 इज नॉट दैट मच डिफरेंस। बाकी गेमिंग बेंचमार्क्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि विच इज विनिंग द गेम। सो गाइस अभी हम लोग मस्त बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में। तो एज यू कैन सी यहाँ पर Lenovo Legion 5 में आप लोगों को 15.6 का फुल HD पैनल देखने को मिल जाता है। यार यहाँ पर आप लोगों को 100% की sRGB भी देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों को 165Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा एंड 300 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है। वहीं यार बात कर ले यहाँ पर Acer Predator Helios की, सो हियर यू गेट UHD डिस्प्ले विद 2K रिजोल्यूशन। यार ये स्टेज को हिला डाला है, एंड यार इसमें आप लोगों को DCP-i3 जो है वो 100% मिलती है। मतलब यार sRGB के टर्म्स में बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा होता है 100% sRGB से। तो कलर एक्यूरेसी में आप लोगों को कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा, दिस इज वेरी परफेक्ट मॉडल। सो इसमें आप लोगों को यार 300 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी एंड 165Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो यार देखा जाए तो यहाँ पर Acer Predator Helios जो है वो बहुत सही डिस्प्ले दे रही है इस प्राइस सेगमेंट पे। सो यार अगर आप लोग कलर ग्रेडिंग का वर्क ज्यादा करते हो या तो फिर यार आप लोग मतलब कि ऐसा कलर सोलर्स के साथ ज्यादा खेलते हो, देन यू शुड प्रिफेयर i7 11th जेन Helios 300। बाकी यार मेरी तो मतलब यही राय है। तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड। सो दोनों में ही आप लोगों को 4 जोनल RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर। सो अपने को यार दोनों में ही नमपैड इंक्लूडेड मिलता है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो गाइस अपन को Lenovo Legion 5 में 16GB का RAM देखने को मिल जाता है, जिसको ऑफकोर्स अपग्रेड करा जा सकता है 32GB तक। इसमें आप लोगों को 512GB की SSD भी देखने को मिल जाती है, जिसको ऑफकोर्स आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 1TB ओनली पर स्लॉट। तो मतलब 2 स्लॉट पे आप लोग मैक्सिमम 2TB तक कर सकते हो। बाकी बात रही यहाँ पर Acer Predator की, तो यहाँ पर आप लोगों को 512GB की SSD देखने को मिल जाएगी, 16GB की RAM है, सिंगल चैनल है, रीजन में आप लोगों को डुअल चैनल मिल रही थी। बाकी यार यहाँ पर आप लोगों को 512GB की SSD तो मिलती है, साथ में आप लोगों को 1TB की HDD भी देखने को मिल जाती है। तो मतलब यार यहाँ पर स्पेस के मामले में थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू Legion 5। तो अगर आप लोगों को यार थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो आप लोगों को ऑफकोर्स यार i7 11th जेन के साथ जाना चाहिए, दिस इज माई प्रेफरेंस। तो आगे बढ़ने से पहले अपन आप लोगों से यार
कुछ दरख्वास्त करना चाहता है प्लीज उस लाल बटन को ग्रे कर देना एंड अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार। आप लोगों का एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। एनीवेज बात कर लेते हैं गाइस कनेक्टिविटी के बारे में। सो दोनों में ही आप लोगों को वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड यार बात रही ब्लूटूथ की तो दोनों में ही आप लोगों को ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइस बात कर लेता हूं यहां पर बैटरी एंड अडैप्टर की। तो Lenovo Legion 5 में आप लोगों को 80 वाट का बैटरी देखने को मिल जाएगा एंड जिसमें आप लोगों को 230 वाट का अडैप्टर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस Helios की बात करें तो यहां पर आप लोगों को 59.5 वाट आवर्स की बैटरी देखने को मिल जाएगा एंड 180 वाट के अडैप्टर है। तो देखा जाए तो 80 वाट आवर के कंपैरिजन में यार 59.5 आवर थोड़ा सा कम पड़ जाता है बट गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से परफेक्ट है बिकॉज देखो यार आप लोग करोगे गेमिंग तो चार्जिंग पे ही रख कर ही तो दैट डजेंट मैटर एंड यार आप लोग की जो बैटरी बैकअप है वो 2.5 से 3 घंटे ही रहने वाली है। तो गाइज अभी मैं आप लोगों को गेमिंग बेंचमार्क्स दिखाने वाला हूँ तो चलो देखते हैं एंड किसकी क्या परफॉर्मेंस निकल कर आती है। आई एम वेरी एक्साइटेड आर यू। आशा करता हूँ आप लोगों की उम्मीदों पे पानी नहीं फिरा होगा एंड आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सा ज्यादा अच्छा FPS निकाल करके दे रहा है। तो देखो यार अभी अपन बात कर लेते हैं थंबल्स के बारे में एंड जो है यार सही बताऊंगा ठीक है कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। तो देखो यार दोनों ही लैपटॉप में आप लोगों को 4 हीट पाइप्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कूलिंग सिस्टम दोनों की बहुत जबरदस्त है। अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पर यार रेडिएटर में आप लोगों को जो टेम्परेचर है वो कुछ 78 to 80 के आसपास में दिखेगा ऑन एन एवरेज। बाकी यार यहाँ पर Legion 5 में जब आप हैवी गेम्स खेलने लगोगे तो ये कुछ 95-96 भी टच कर जाता है कई केसेस में। यार इसके पीछे का भी एक रीजन है बिकॉज देखो जिसकी अडैप्टर प्रोवाइड करी जा रही है वो बहुत ज्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू एसर प्रेडेटर। तो यार ऑफ कोर्स यहाँ पर पावर तो ज्यादा ड्रेन करेगी ही एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर टेम्परेचर तो हाई होना ऑफ कोर्स यहाँ पर जायज है यार। सो यार यहाँ पर गेमिंग तो बहुत जबरदस्त हो रही है दोनों में ही एंड कोई भी आप वर्क करना चाहते हो तो देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इजीली ऑन बोथ ऑफ देम। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कौन सा परचेस करना चाहिए। तो देखो यार Acer Predator Helios जो है आप लोगों को कुछ 1,05,000 के आसपास में देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। बाकी आप लोगों को यार Legion जो है वो 1,15,000 के आसपास में मिल जाती है। तो देखो यार यहाँ पर मेरे ख्याल से जो बेस्ट इन प्राइस सेगमेंट है वो आपका Acer है बिकॉज यार यहाँ पर एक आप लोगों को एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विच इज ऑफ द 2K डिस्प्ले है एंड ऑल्सो यार यहाँ पर जो है वो कलर गैमेट है वो भी बहुत ज्यादा सही है Acer Predator की एज कम्पेयर टू Legion। बाकी यार यहाँ पर Legion में थोड़ा सा बेटर GPU मिल जाता है थोड़ी सी अच्छी आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाती है बाय द वे i7-11 जनरेशन परफेक्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। सो गाइस पूरी कंपैरिजन आप लोगों के सामने है आप लोग यार डिसाइड कर सकते हो विच यू शुड प्रेफर। मेरे ख्याल से आप लोग यार बजट के साथ जा सकते हो विच इज Acer Predator Helios। बाकी यार आप लोगों का अगर बजट है तो आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कैसा लगा प्लीज हिट अ लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक हैव अ गुड डे।